देश भर में चढ़ी पूजन के साथ ही गुग्गा माड़ी मेले का आंशिक शुभारंभ बीते रोज से हो गया। वहीं राजधानी शिमला के मिडिल बाजार स्थित गुग्गा जाहर पीर मंदिर में आयोजित मेले के दूसरे दिन भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं इस मेले में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुग्गा जाहर पीर में शीश नवाया। वहीं मंदिर के प्रधान पुजारी पुष्पराज ने बताया कि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। वहीं ये मेला बीते रोज शुरू हुआ और आगामी 3 दिन तक चलेगा। उन्होंने बताया कि अलग अलग जगह से निशान यहां पर आए हैं, जिसका उद्देश्य है कि लोगों को जहरीली वस्तुओं से रक्षा की जाए। उन्होंने बताया कि मान्यता के अनुसार सिर्फ एक झंडा ही चढ़ा सकते हैं और उसमें गूगल और लोबान भी चढ़ा सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये मेला उनके परदादा जी के समय से लग रहा है और इससे लगभग 100 वर्षों से ऊपर हो गया है। ये मेला कल से शुरू हुआ, ये 3 दिन चलता है। कल यहाँ पर जो अलग अलग जगह से निशान आते हैं और ये इसका उद्देश्य है कि लोगों को जो जहरीली वस्तुओं से बचाने के लिए ये रक्षा करते हैं। और कोई भी इस टाइम जो ये महीना होता है 3 या 4 महीने सभी देवी देवता स्वर्ग देव होते हैं, तो इस टाइम जो सारा कंट्रोल होता है वो गुग्गा जाहर पीर के पास। तो इनको मान्यता के लिए कोई ज़्यादा पूजा अर्चना की जरूरत नहीं है और इनके लिए सिर्फ एक आप एक झंडा चढ़ा सकते हैं और इनको सबसे जो प्रिय है इनकी एक कढ़ाई चढ़ती है, ठीक है, और उसमें आप गूगल और लोहान चढ़ा सकते हैं उसके साथ। ये लगभग मेरे परदादा जी के समय से मेला लग रहा है, ये 100 वर्षों से ऊपर हो गया।